अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मोदी के घर में भी बांग्लादेश श्रीलंका की तरह लोग घुसने वाले हैं? जी हाँ, आज इसका तस्करा भारत में भी हो रहा है। कांग्रेस के बुजुर्ग कायद सज्जन सिंह वर्मा ने आज एक एहतजाजी जुलूस से खिताब फरमाते हुए कहा कि भारत में भी जल्द आवाम मोदी के घर में घुसने वाली है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आप टीवी पर देख रहे होंगे कि किस तरह लोग बांग्लादेश के वजीर आला शेख हसीना के घर में इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से दाखिल हुए। हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इससे पहले भी श्रीलंका में भी इसी तरह इख्तदार तब्दीली यानी कि सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसमें वजीर आला महिंद्रा राजपक्षे को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है, जिसमें पहल करते हुए कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने भारत में आए दिन मोदी की गलत नीतियों की वजह से सड़कों पर हिलोरे खा रही है आवाम मोदी के घर में जल्द घुसने वाली है, ऐसा बयान देकर मुल्क में एक तरह से हलचल मचाई है। भारत में शेख हसीना की आमद भी भारत की गलत विदेश नीतियों का ही नतीजा कहा जा सकता है। खैर, कुछ सज्जन सिंह वर्मा की हिमायत कर रहे हैं तो कुछ उसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं, पर क्या सज्जन सिंह वर्मा का बयान जायज है? इतना तो जरूर है कि आए दिन मोदी हुकूमत अवाम के गुस्से का बास जरूर बन रही है। किसान के तीन काले कानून हो, नोटबंदी हो, जीएसटी, सरकारी महकमाओं का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, चीन का भारत में दाखिल होना, नीट इम्तिहानात में पेपर लीक का मामला हो, लाखों करोड़ लेकर भागने वाले करोड़पति ताजी जो मोदी के दोस्त कहे जाते हैं, भारत के ही लोग भारत को छोड़कर विदेशों में बसने वालों की बढ़ती तादाद, ये भी एक मामला है। धर्म के नाम पर नफरत परोसना, मंदिर मस्जिद विवाद, बहुत सारी एक तवील फहरिस्त है जिसका जिक्र कर सकते हैं। तमाम बातों से अब जनता उगती जा रही है। पिछले 10 सालों में भारत तमाम शोभों में पिछड़ता जा रहा है, रुपया तारीखी गिरावट की तरफ लुढ़कता जा रहा है, किसान जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है खुदकुशी रोज कर रहा है, जितने मसाइल बताओगे उतने तमाम भारत में देखे जाते हैं। इन तमाम के बावजूद भी भारत खड़ा है तो मुल्क की कुदरते वसाइल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, वरना तो कोई कसर मोदी हुकूमत ने छोड़ी ही नहीं थी, ऐसा कई माहिरीन का कहना है। लिहाजा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब जब बांग्लादेश में तलबाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई तो शेख हसीना को देश छोड़ भागना पड़ा और भारत में ही फिलहाल वो कायम पजीर है और जब तक रहेगी भारत के लिए गले की हड्डी बनकर रहेगी, इतना जरूर है। पर क्या वाकई भारत भी उसी दिशा में जा रहा है? इस पर भी सोचना जरूरी है। हिंदुत्व का बढ़ता दायरा भले ही अब थोड़ा बहुत कम नजर आ रहा हो, लेकिन मॉब लिंचिंग, मस्जिदों पर हमले, मुसलमानों के इबादत गाहों पर हमले, ये तो बरकरार जारी है। और मजहबी नफरत फैलाने वाली तंजीमों का बढ़ता रसूख भारत को भी खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है, ऐसा बाहरी मुल्कों में भी जाहिर किया जा रहा है। यूके यूएस की एजेंसियों ने इस तरह के खदशात का इजहार किया है। बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए इख्तदार तब्दीली से भारत को यकीनी तौर पर भारत को फिक्र में मुलविस होना है, पर इसका हल क्या है? आखिर भारत में इस तरह की नौबत ना आए इसके लिए क्या किया जा सकता है? आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिससे मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ सकता है? ऐसा लग रहा है इन तमाम सवालों पर मिल बैठकर तबादले ख्याल भी जरूरी है। भारत के ही मणिपुर की कैफियत हम सब ने देखी है और ये भी इसी मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसी का ही नतीजा कह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो भारत के मरकजी कायद बनकर बैठे हुए हैं, फहरिस्त तो तवील है, जो बिना सोचे समझे बयान देते रहते हैं, जबकि मुल्क में अमन को बरकरार रखना इस वक्त बहुत ही जरूरी है। भारत अपने तमाम पड़ोसियों से दुश्मनी कर बैठा है। चीन जहां एक तरफ सुपर पावर होने की कोशिश कर रहा है, ख्वाब देख रहा है, वही चीन भारत में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह पर कब्जा कर बैठा हुआ है। यहां तक भूटान और नेपाल भी भारत से दूरी और चीन से दोस्ताना ताल्लुकात बना चुके हैं, मतलब करीब करीब सभी पड़ोसियों से मोदी हुकूमत ने दुश्मनी मोल ली है। बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई बगावत भी पाकिस्तान चीन की ही साजिश बताई जा रही है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि दुश्मनों की साजिशों ने चारों तरफ से भारत को घेर लिया है। अब ऐसे वक्त में मुल्क में बजाय मजहबी नफरत हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा से बाहर निकलकर विपक्ष के साथ मिलजुल कर सही फैसलों पर मशवरा करे और इसकी जरूरत है। आज सिर्फ सियासी दुश्मनी में हो सकता है कि सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के कायद है, इन्होंने ये जुमले दोहराए होंगे कि भारत में भी खाना जंगी या बगावत हो सकती है और मोदी के घर में भी बांग्लादेश की तरह लोग घुसेंगे वगैरह, पर इसे हकीकत में तब्दील होने में वक्त नहीं लग सकता, ऐसा भी कयास इल्मी माहिरीन लगा रहे हैं। शेख हसीना भारत के हक में थी, मोदी हुकूमत से इनके ताल्लुकात भी बेहतर थे ऐसा बताया जा रहा है, पर जिस तरह से अवाम ने बगावत की उसे देखते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाया जा चुका है, जिसका खामियाजा
यहाँ की आवाम को भी चुकाना पड़ सकता है कहा जा रहा है। तलवारों को भड़काकर यहाँ तक फौज को भी शेख हसीना के खिलाफ खड़ा किया गया। मतलब साजिश किस मियार की चली गई इसे समझना होगा। मुल्क मुत्तहिद होगा तो ही साजिशें नाकाम हो सकती हैं। पर खुद वजीर आजम मोदी ही मंगलसूत्र घुसपैठी है दहशतगर्दी से अलकार से अकलियतों को नवाजना शुरू करेंगे तो क्या सज्जन सिंह वर्मा का बयान सच होने में वक्त लग सकता है? बजरंगदल वीएचपी आरएसएस जैसी तंजीमें कुछ हद तक मोदी के साथ तो कुछ मोदी के विरोध में भी है। खुद आरएसएस मोदी शाह को अहंकार यानी घमंडी कह रहे हैं। खुद भाजपा के ही काई जेपी नड्डा ने आरएसएस की जरूरत नहीं जैसे बयान देकर उनसे दूरी अख्तियार करने की कोशिश की है। हाल ही में विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अच्छा मुजाहरा करते हुए 50 किलो कुश्ती में वो मेडल जीत ही रही थी लेकिन अचानक ना अहल करार देते हुए बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे भी मोदी हुकूमत का हाथ होने की बात कही जा रही है क्योंकि पिछले ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने भाजपा लीडर के खिलाफ एहतजाज किया था जिसने असमत रिज की कोशिश की थी। इन पर जंतर मंतर में सख्ती से कार्रवाई कर इनके एहतजाज को नाकाम किया और दबाया गया। लिहाजा विनय फोगाट भी इस एहतजाज में अहम रोल अदा कर रही थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि नीता अंबानी ओलंपिक कमेटी की मेंबर है और जानबूझकर विनय फोगाट को नाअहल करार दिया गया क्योंकि जब मेडल जीत रही थी तो अब जाकर अचानक कैसे वजन बढ़ गया। महज अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुकाबले से ही इस तरह बाहर करने पर एहतजाज करने के ट्वीट एक्स पर कई वायरल हो रहे। जाहिर है अब मोदी भी निशाने पर आ चुके हैं। मोदी के खिलाफ भारत में बढ़ती नाराजगी कहीं खाना जंगी में ना तब्दील हो जाए इस तरह की बातें अब गश्त कर रही है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पर यह भी उतना ही अहम हो जाता है कि क्या उनका बयान हकीकत बनने तो नहीं जा रहा। लिहाजा भारत के आने वाले हालात इसका जवाब दे सकते इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।